हीमोलाइसिस ड्यूरिंग डायलिसिस, जैसा कि सब जानते हैं कि ये बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन है, बट ये किस वजह से होती है? आरओ के अंदर जो क्लोरामाइन होते हैं, अगर वो ज़्यादा होते हैं नॉर्मल रेंज से, तो उसकी वजह से पेशेंट को हीमोलाइसिस हो सकते हैं, ड्यूरिंग डायलिसिस। दूसरा आपका टेम्परेचर की वजह से होता है, जो आपने देखा होगा, ये आप देख सकते हो रेंज 35.5 से लेकर 37.5 तक इसकी रेंज होती है। अगर इससे ग्रेटर जाता है 37.5 से, तो हीमोलाइसिस होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और तीसरा जो आपका होता है डायलिसर के अंदर, अगर थोड़ा भी फॉर्मिलिन रह जाता है, तो उसकी वजह से भी हीमोलाइसिस हो सकता है। और फोर्थ आपको नीचे कमेंट करके बताना है, उससे भी जरूरी चीज़ है, आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, वो आपको दबाना है।